रफ्तार धीमी जरूर है मगर रुका नहीं हूं मैं, तोड़नी है चुनौतियों की कमर इसलिए झुका नहीं हूं मैं। जी हाँ, इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है अमन सिंह जी, जो युवा कांग्रेस के दुर्ग जिला उपाध्यक्ष हैं, और तमाम और भी जो पद हैं उन पर निर्वहन करते हुए कार्य कर रहे हैं, चूंकि अहिवारा विधानसभा से बिलोंग करते हैं और अहिवारा विधानसभा में कैबिनेट मंत्री गुरुद्र रुद्र जी विधायक हैं। हम लगातार चर्चा करेंगे विकास की बात साधना न्यूज़ के साथ, और हमारे साथ अमन सिंह जी हैं। आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। हम विकास की बात साधना न्यूज़ के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, लगातार 4.5 वर्षों में न्याय की योजना शुरुआत की है, और लगातार लगभग सभी योजनाएं जो है न्याय पर लागू होता है। न्याय शब्द को आप किस तरह से देखते हैं अमन जी? न्याय शब्द को मैं इस तरह से देखूंगा, आप जब से हमारी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी हों और उनके साथ हमारे अहिवारा विधानसभा के विधायक जगत गुरु रुद्र कुमार जी हों, कैबिनेट मंत्री हैं वो पीएचई डिपार्टमेंट। तो आप न्याय शब्द का बहुत अच्छी चीज़ में से कुछ है न्याय। जब से आप कांग्रेस की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, आप देखेंगे चाहे वो बेरोजगार युवा भाई हों मेरे, चाहे युवा साथी हों, ग्रामीण अंचल के लोग हों, आदिवासी क्षेत्र के लोग हों, इनके लिए तमाम योजना हमारी सरकार ने निकाली है। जैसे कि एक यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आप सबसे अच्छी बात देखेंगे तो स्लम हॉट बाजार योजना जो है स्वास्थ्य को लेकर के। पहले आप देखेंगे बस्तर क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा होता था कि वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ हर किसी को मिल नहीं पाता था। तो हॉट बाजार योजना से जो हुआ है, निशुल्क हम दवाइयाँ वितरण कर रहे हैं, उपचार में उनको दे रहे हैं, उनके घर पहुँच सेवा देने की हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। आप युवाओं पे आएंगे, बेरोजगार युवा के लिए बेरोजगारी भत्ता हमने लागू किया है, उसमें ऑलमोस्ट जितने लोग उस प्रक्रिया में आ रहे हैं, उस प्रोसेस को किए हैं, उनको सबको बेरोजगारी भत्ता मिलने लग गया है। कॉलेज की बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे, आत्मानंद स्कूल जैसे आप स्कूल आप खुद देखें, आपने कई इंटरव्यू किए हैं स्कूलों में जा करके, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो, आत्मानंद स्कूल जैसे खुलने के वजह से गरीब बच्चे आज इतने अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं जो वो उस एजुकेशन प्राइवेट स्कूल को अटेंड नहीं कर पाते थे, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से, चाहे किसी भी और रीज़न से। आज एक अच्छी शिक्षा छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर घर तक शिक्षा पहुँचाने की, ऐसे तमाम कार्य हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने किए हैं। आप अहिवारा विधानसभा में देखेंगे तो इतनी पुरानी हमारी एक मांग रही है भिलाई रोड की, आज 78 करोड़ की भिलाई रोड बनी है। आप देखो उसमें कितने एक्सीडेंट, कितनी लोगों की, हमारे बीच के लोगों की जान गई। 15 साल भाजपा का शासन रहा, वो नहीं हुआ। आप कल, आज की बात है, मैंने भाजपा की कुछ वीडियो देखा, कल उन्होंने तहसील घेराव किया था। तो मतलब एक बहुत, ललित भी आपको मैं बताऊं कि एक मेरे को अपने आप में एक अजीब सा महसूस हुआ कि ये वही नटवर ताम्रकर जी है जिनका मैं एक भाषण देख रहा था कि उनका भाजपा का कहना था छत्तीसगढ़ में विकास पंजा ने रोक रखा है और अहिवारा में गुरु रुद्र कुमार जी ने रोक रखा है, और उन्हीं नटवर ताम्रकर जी के ऐसे कई वीडियोज मेरे पास पड़े हैं जो बस स्टैंड पे कार्यक्रम में उन्हीं के शब्द थे कि अहिवारा विधानसभा में गुरु रुद्र कुमार जी के रहने से इतने विकास कार्य हुए हैं जिसकी कोई क्षमता नहीं है। 15 साल इनकी सरकार रही, ना रोड बना, ना कॉलेज बना, ना तहसील बना। आज वो सब अपना बता रहे हैं लेकिन झूठ और सच को दुनिया जानती है, जनता जान रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस को एक कांग्रेस गवर्नमेंट या चाहे कांग्रेस पार्टी हम लोगों का शिविर लगाती है, हम लोगों को योजनाएं समझाती है जनहित तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए, बीजेपी को एक अलग से झूठ बोलने की क्लासेस मिलती है। इनके चाहे प्रधानमंत्री जी को देख लो, वो भी एक झूठ और फरेब की राजनीति में चल रहे हैं, और इनके भाजपा के कोई भी लोग हों, इन लोगों को एक अलग ही झूठ बोलने की क्लासेस मिलती है कि मतलब इनके चेहरे में झूठ बोलते वक्त एक शिकन भी नहीं रहती है। एक चीज और था, अभी हाल पे ही सीएम भूपेश बघेल साहब एक निर्णय लिया कि युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे, और युवाओं
से वो भेंट मुलाकात करके चर्चा करते हुए जो अच्छे सबसे ज़्यादा प्रश्न उनको करेंगे उनको मोबाइल भी गिफ्ट भी किया जाएगा। आप इसको किस तरह देखते हैं? ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच है, और हमारा बीजेपी तक नहीं रहा है जहाँ सोच वहाँ शौचालय। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हमारे ये सोच से कार्य कर रहे हैं कि युवाओं जो आज देश की रीढ़ की हड्डी बैकबोन है उसको मजबूत रखा जाए और उनके आइडियोलॉजी पे काम किया जाए, क्योंकि युवाओं के पास आज नए नए स्ट्रेंथ हैं, उनकी पावर अच्छी है, सोचने की क्षमता अच्छी है, और उनकी जो ज़रूरतें हैं और वो पूरी की जाए, सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं वो पूरी की जाए। इस चीज़ को लेकर के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे एक राजीव युवा मितान क्लब जैसी योजना भी बनाई हुई है। राजीव युवा मितान क्लब एक होम डिलीवरी जैसा एक काम करते आ रही है हमारे गवर्नमेंट। राजीव युवा मितान क्लब में हर गांव में युवा मितान क्लब है, उन्हें सालाना हम 25-25 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये सालाना उनको दे रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में, निगम में, पालिका में, हर जगह पे ये युवा मितान क्लब हमारे यहाँ वो है। उसमें आप उस 25 हज़ार खर्च करने का कुछ एजेंडा है कि उसको आप गांव के विकास के लिए यूज़ कर सकते हैं, गांव में कुछ खेल कूद आप कर सकते हैं, गांव में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, उसके लिए राजीव युवा मितान क्लब बिल्कुल भी फ्री है। तो ऐसे उस पे, लेकिन वो कुछ एजेंडे हैं उसमें, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना। हमारे मुख्यमंत्री जी शुरू से युवाओं के प्रति बहुत ईमानदार रहे और युवाओं के लिए हमेशा सोचने आए हैं। चाहे अगर वो युवाओं और यूथ्स का ना सोचते तो ना आज स्कूल ना कॉलेज, कॉलेज हमारे अहिवारा में कॉलेज की एक बड़ी सौगात उन्होंने दी 5 करोड़ की। आपको याद होगा जब वो नागरिक कल्याण कॉलेज पुराना हुआ करता था, 15 साल से छत टपकती थी, आज हमारा कॉलेज जा करके देखिए इतना बड़ा कॉलेज बना है, आलीशान। लोग हमारे यहाँ कम से कम आसपास के अहिवारा विधानसभा के बाहर से करीब 20-20 गांव के आसपास से लोग आते, भिलाई तक से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। जी, आप युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और युवाओं के लिए दर्जनों योजनाएं की शुरुआत भूपेश बघेल सरकार ने की है, और जिस जगह आप रहते हैं, जहाँ से निवास करते हैं, वो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र है। जो मंत्री हैं, इस क्षेत्र के विधायक हैं, वो भी युवा है, तो उनका लाभ किस तरह से विधानसभा वासियों को मिल पाया? विधानसभा के लिए हमारे मंत्री माननीय जगत गुरु रुद्र कुमार जी बहुत काम किए, जितना 15 सालों में काम नहीं हुआ भाजपा शासन में उसके 5 गुना ज़्यादा हमने काम कर दिखाया है। सबसे बड़ी मांग अभी जैसे कि मैंने बताया, भिलाई रोड हो गया, नंदरी में कॉलेज हो गया, अहिवारा विधानसभा में दो दो तहसील हो गए, एक उप तहसील है लेकिन वो भी बहुत जल्द तहसील बन जाएगा। आप देखेंगे हर गांव में पानी, बोर, नाली, टंकी, हर चीज़ का काम हुआ है। आज आप पूरा विधानसभा घूम लीजिए, आपको कहीं कीचड़ की रोड नहीं मिलेगी, कहीं गड्ढे नहीं मिलेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन्होंने काम कराया, हर समाज को भवन उन्होंने दिया, जिसकी जैसी मांग रही, क्षेत्र की मांगों के अनुसार हमारे मंत्री जी ने पूरा काम कराया है। साथ ही अभी उनके डिपार्ट से हमारे जिले में मिनी माता नल अमृत मिशन के तहत हर घर निशुल्क नल पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2-3 महीनों में हर घर तक नल जल की सुविधाएं निशुल्क पहुंच जाएगी। अपन साहब, एक चीज़ और है कि अहिवारा विधानसभा एक चट्टानी क्षेत्र में आता है, और निश्चित तौर पे उनके बाद भी यहाँ पानी की समस्या थी, उनको गुरु रुद्र साहब ने दूर किया है और लगभग पानी की समस्या दूर हो गया है, हर गांव में नल जल की व्यवस्था की गई है। आखिर किस तरह से जल मंत्री है वो, और भी लाभ 4 महीने में विधानसभा वासियों को मिलेगा? लाभ की बात करें तो अभी तक हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जनता में, जनता के बीच में कोई ऐसी परेशानी ना आए। पानी के लिए अमृत मिशन के तहत हर घर पे जल पहुंचाया जा रहा है, जितना बोरिंग की व्यवस्थाएं की जा रही है, मोटर की व्यवस्थाएं की जा रही है, फिल्टर प्लांट लगे जा रहे हैं, टंकियां बनी जा रही है स्टोर करने के लिए गांव में पानी की दिक्कत ना हो। आज ऐसे कई हमारे गांव हैं जहां पे पानी टंकी इसलिए बनाया गया है क्योंकि उस गांव में कई बहुत पानी की व्यवस्था होती थी ताकि उसको स्टोर किया जाए, और उस पानी से 2 से 3 दिन उस गांव का पानी की समस्या उनके बीच में ना रहे। एक चीज़ और है, कुछ गांव में सरपंच नाराज हैं,
ऐसा भाजपा के लोग भी कह रहे हैं और कुछ सरपंच भी कह रहे हैं, तो उनको किस तरह से पूर्ति करेंगे, क्योंकि 4 महीना शेष रह गया चुनाव और मंत्री जी फिर यहीं से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया, बीजेपी के लोग नाराज हैं, तो बीजेपी के लोगों की पूर्ति तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। उनके जैसा झूठ बोलने आता नहीं हमें, क्योंकि जितना झूठ बोलेंगे उतना वो खुश रहते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत रही है, एक राजा थे, उनके पास एक गरीब व्यक्ति भीख मांगने जाता है, कहता है कि मैं गाना गा रहा हूँ, आप मुझे वो दीजिए। वो जब तक गाना गाते हैं बोले आज तेरे को 100 दूंगा, कर फिर और अच्छा गाता है बोले 200 हो गया, और अच्छा गाता है 300 हो गया। जब गाना बंद करता है तो वो बोलते हैं कि मुझे मेरे 300 रुपये दो। तो उन्होंने कहा तू मेरे कान को संतुष्ट कर रहा था और मैं तेरे कान को संतुष्ट कर रहा था। ऐसे भाजपा की आज सोच रही है, वो सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। और जो सरपंच और जो नाराज़ हैं, उनकी जो भी नाराज़गी है हम ज़रूर दूर करेंगे, कोशिश करेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई भी सरपंच भाई नाराज़ हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर किसी के साथ एक हम अच्छी व्यवस्था बना करके चलते आए हैं। और कुछ लोग हैं जो ये झूठ फरेब की राजनीति कर रहे हैं, उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु रुद्र कुमार जी, मंत्री जी जो हैं वो विधानसभा चेंज करेंगे ऐसा कहना है, मतलब क्या विधानसभा सीट चेंज करके वो चुनाव लड़ेगा या तो फिर यहीं से लड़ेगा, क्योंकि आप काफ़ी करीब में हैं, आपसे जानना चाहेंगे। माननीय मंत्री रुद्र कुमार जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे। आप लास्ट प्रोग्राम एक और किए थे कुटीर भवन का, तो उसमें भी आपको भी उन्होंने स्पष्ट किया था। जी। और ये बीजेपी के लोगों की एक अफवाह है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो कहावत चली आई है उसी के हिसाब से। इनका खुद का पता नहीं है कि उनके पास चेहरा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। कभी वो कहीं भटक रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, खुद एक पैराशूट लैंडिंग उन लोग करना चाह रहे हैं, ऐसा मेरे तक जानकारी आई है। इनका सिर्फ एक अफवाह उड़ाने का काम रहा है, ये भी एक इनका झूठ है लोगों के बीच में माहौल बिगाड़ने की। इनको पता है कि अगर हमारे बीच में दोबारा से गुरु रुद्र कुमार जी चुनाव लड़ने आते हैं तो इनकी इस बार, पिछले बार 32,000 का गड्ढा पाट के 32,000 के वोटों से हमने चुनाव जीता था, बार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जी साहब, एक चीज़ और जानना आपसे चाहेंगे जरूर, क्योंकि आप लगातार हर सभा में उनके रहते हैं, हर कार्यक्रम उनके साथ अटेंड करते हैं मंत्री जी के साथ, क्योंकि जब मंत्री जी का दौरा रहता है तो आपको सबसे पहले पता चलता है। अभी हाल में ही गिलहोरा में उनकी सभा हुई, उसमें साहब जो है अचानक से मंच छोड़कर निकल गए, तो इनसे कुछ पब्लिक नाराज भी थे, इनको किस तरह से देखते हैं, आप क्या कहते हैं? गिरोला का जो कार्यक्रम में मंत्री जी मंच छोड़ के निकले, मंच छोड़ने का कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है वो कार्यक्रम छोड़ के नहीं गए थे। उनका भाषण समाप्त होने के बाद उन्हें कहीं अर्जेंट एक कार्यक्रम से निकलना था, इस वजह से वो लास्ट में आभार होते तक वो नहीं रुक पाए और मौसम भी खराब हो रहा था, इस वजह से उनको वहाँ से निकलना पड़ा। जी, तो निश्चित तौर पे मंत्री जी जो है इसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में, आने वाला समय में भी हम भी कामना करेंगे कि और भी चुनाव लड़के मंत्री बने। साहब, 4 महीना शेष रह गया है और आप युवा नेता हैं, युवाओं का किस तरह से प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र से दोबारा गुरु रुद्र कुमार विधायक बने? हमारे विधानसभा में एक युवाओं की बहुत बड़ी ताकत रही है और हमारे सारे युवा भाई हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, उनका भी मैं आपके माध्यम से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपको याद होगा पिछले जब चुनावी सत्र में मंत्री जी का चुनाव हो रहा था, तो एक तरफ हमारी भाजपा की रैली का आयोजन किया गया था और एक तरफ हमारा था। सेम डे के होने के वजह से हमको रूट अलग अलग दी गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन ने हमें अलग अलग रूट दिया था। उसके बाद जब हमने चालू किया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जो कि भिलाई 3 में, हमने मुरमुंदा से चालू किया था और उन्होंने भिलाई 3 से चालू किया था। जब हम यहाँ से रैली लेकर के और लोगों के बीच के जाने के लिए जब हमारी युवा साथी निकले थे, तो हम करीब करीब 3-4 हजार बाइकों में और एक इतनी बड़ी तादाद के साथ युवा निकले थे कि उनकी भिलाई 3 की रैली चालू होने से पहले ही शर्म से उन्होंने ख़त्म कर दिया और उस दिन वो रैली नहीं हुई। इस बार फिर हमारे युवा साथी सारे तैयार हैं और बहुत जोर शोर से हम काम करने के लिए मैदान में वापस उतरेंगे। आप लोग लगातार उप जो चुनाव हारे हैं, हाल पे ही पार्षद चुनाव हारे हैं, जामुन निकाय चुनाव हारे हैं, इनको चुनौतियां मानते हैं कि नहीं मानते? जी बिल्कुल, चुनौतियां मानेंगे। हाल ही में जो बानबरद में उपचुनाव हुआ, इसमें कोई वोट के बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहे थे। हालांकि
हालांकि हार तो हार है, उस हार को मैं स्वीकार भी करता हूं और जनता की क्या नाराजगी है, लेकिन वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके सामने हमारा प्रत्याशी भी मजबूत बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि उनके पति श्री का स्वर्गवास हुआ था और एक सिंपत्ति थी और कुछ कारण ऐसे बने थे कि जिसके वजह से कुछ ऊंच नीच हुई, लेकिन इसको हम बिल्कुल चुनौतियां मानेंगे। लेकिन बाण बरद एक ऐसा क्षेत्र रहा है, जब पिछले बार चुनाव हुआ था तो बाण बरद के बूथ से हम करीब करीब 600 वोटों से मंत्री जी के चुनाव में हम आगे चल रहे थे। एक विषय और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके क्षेत्र में बहुत से जनप्रतिनिधि हैं। जैसे कि एक उदाहरण लूंगा मैं, जनपद धमधा की जो कांग्रेस नेत्री है, जनपद अध्यक्ष है, वो काफ़ी मायूस है। वो जो कि चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो बात जो है जनपद सीओ नहीं सुनता है। इनको किस तरह से देखते हैं, मंत्री जी का कहीं ना कहीं प्रभाव है कि नहीं है? जनपद सीईओ की जो बातें हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसकी शिकायत ज़रूर मंत्री जी से की जाएगी। और अगर जनपद सीईओ नहीं सुनता है, और क्योंकि आपके माध्यम से ये हमें पता चला है, तो जनपद सीईओ की मजबूरी हो जाएगी सुनना। अगर वो एक जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुन रहे हैं और क्षेत्र की जनता की बात नहीं सुन रही है, तो तत्काल सीईओ से हम खुद जा करके उनको मजबूर किया जाएगा फिर बात सुनने सुनाने में, क्योंकि हम युवा हैं और 15 साल विपक्ष में भी रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारी बात किस तरह से सुनाना चाहिए। तो जनपद सीईओ जी को मैं आपके माध्यम से ये संदेशा देना चाहता हूँ कि वक्त रहते सुधर जाइए, नहीं तो सुधारने के लिए युवा कांग्रेस को मजबूरन आपके पास आना पड़ेगा। साहब, एक चीज़ और है, जब भी सभा में संबोधित करते रहते हैं या सभा को में लोगों को वो अपनी शब्दों का आशीर्वाद देते रहते हैं, उसी बीच में जब आप पहुंचते हैं तो आपको आवाज़ देकर मंत्री जी पुकारते हैं, किस तरह से पहचान बना पाए, ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, कि कैसे देखते हैं? ये हमारे माननीय मंत्री जी का प्यार रहा है, आशीर्वाद रहा है। हमारे मंत्री जी की एक खासियत है कि वो काम करने वाले लोगों को बहुत महत्व देते हैं और वो भूलते नहीं है कि मेरे बुरे वक्त में या मेरे समय पर किसने कैसा साथ दिया। और सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्षेत्र के तमाम ऐसे साथी हैं जिनको मंत्री जी बहुत अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। उनमें से एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं भी हूँ। मैं जब अहिवारा से निकल करके मैं कॉलेज पढ़ने भिलाई गया, तब मैं रुंगटा जैसे कॉलेज का अध्यक्ष बन पाया और तब से एक यूथ राजनीति में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा, क्षेत्र में एक बड़ी टीम रही। उसके वजह से मंत्री जी का एक प्यार भी मिलते आया और खुद भी कुछ रिलेशंस ऐसे डेवलप हुए कि उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। लास्ट परिचर्चा में हम आपसे एक और सवाल जानेंगे कि आप क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कैसे अपील करते हैं आप, क्योंकि सामने 4 महीना शेष है और यहाँ के नागरिकों का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। क्षेत्र की जनता से मेरी यही अपील है और आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जिस तरह आपने पिछले 5 साल हमें कार्य करने का, सरकार को कार्य करने का, माननीय मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी को कार्य करने का मौका दिया, इस बार फिर से आप दीजिए। 5 साल में जितना बन पाया, जितना हो पाया, हमने पूरा प्रयास किया लोगों के बहकावे में ना जा करके। पिछले 15 साल का और इस 5 साल का सिर्फ एक आकलन कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी जो भी डिसीजन है वो लीजिए। मंत्री जी का परसों बर्थडे है, इसी परिचर्चा में एक बधाई भी आपसे लेंगे। माननीय मंत्री जी का 23 जुलाई को जन्मदिन है, हर साल की तरह इस साल भी उनका जन्मदिन बहुत अच्छे जोरों शोरों से मनाया जाएगा। उनका जन्मदिन मनाने का ये कारण नहीं है कि वो एक मंत्री है, हम उनका जन्मदिन इस इच्छा से और मनाते हैं, उत्साह से इसलिए मनाते हैं कि वो एक ऐसे जन नेता, ऐसे एक विधायक हमें मिले हैं कि जो बाकी राजनेताओं से बहुत अलग हैं और सिर्फ क्षेत्र की विकास, जनता की समस्या, युवाओं को प्राथमिकता, हर तरह से वो डट करके 5 साल हमारे साथ खड़े रहे। इस उल्लास से हम फिर मनाएंगे और जन्मदिन पे सभी क्षेत्रवासियों को, आप सबको बहुत बहुत हमारा न्योता है, आप लोग आइए और माननीय मंत्री जी के जन्मदिन पर शामिल होइए। तो ये थे अमन सिंह जी, जो युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं,
और युवा मितान के भी पदाधिकारी हैं और कई महत्वपूर्ण पद को निर्वहन कर रहे हैं, और इनका दावा है कि आने वाले समय में भी गुरु रुद्र कुमार जी यहीं से विधायक बनेंगे और मंत्री बनकर वापस हमारे बीच पर आएंगे। लगातार इनके माध्यम से युवाओं के साथ साथ और भी वर्गों के लोगों को बांधने का काम कर रहे हैं, संगठित करने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सी के देवांगन के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित अहिवारा, छत्तीसगढ़।